प्रगति गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में ट्रेनिंग के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर भी ट्रेनिंग देता है। दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह वाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है मैंने लिखा, हाउ योर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज किडनैप्ड। आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए, जो आपको सीखना चाहिए, उसको कैसे किडनैप करा गया है, हमें किस तरीके से उलझाया गया कि हम बहुत ही पीछे रह रहे हैं और हमें पता भी नहीं लग रहा। मज़े की बात ये वीडियो अंत तक देखते रहना, और यदि आपका ये वीडियो देखने के बाद दिमाग ख़राब ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। सो, ये सबसे पहले मैंने लिखा है, मोस्ट ऑफ अस अर्निंग, हमारे में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कितना कमा रहे हैं। ये देखो मैंने लिखा, एक तो सतनाम सिंह, इसका गाँव है मुरादपुर, डिस्ट्रिक्ट पटियाला। ये राजपुरा जो शहर है पटियाला के बीच में, उससे 15 किलोमीटर राजपुरा से पटियाले की तरफ रहता है ये। और यह नौकरी कहाँ करता है? नौकरी करता है थर्मल प्लांट राजपुरा में, जो राजपुरा से ही 15-20 किलोमीटर दूर है। तो ये दोनों जो डिफरेंस है इसके, गांव से चल के इसकी ड्यूटी तक, तो ये कम से कम 35 किलोमीटर के आसपास बनता है। तो ये 35 किलोमीटर आना और 35 किलोमीटर जाना, तो इसको सैलरी एक बता रहा है जी 15,000 रुपया। आप कहने की बात तो ये है कि ये परमानेंट अप्लाई है, पक्की नौकरी कर रहा है। ये 15,000 रुपये या 14,000 रुपये इसके आसपास इसकी सैलरी है, मेरे को मिला था ये। तो ये उसका 5 या 6,000 रुपये महीना तो पेट्रोल का खर्चा ही निकल गया। यदि 5,000 भी निकल जाए तो इसके पल्ले पड़ा 10,000 रुपया। उसके बिना कोई रास्ते में भूख लग गई, कोई मोटरसाइकिल पंचर हो गया, कोई टायर डलवाना पड़ गया, कुछ और करना पड़ गया, वो आपको कोई दवा दारू की ज़रूरत पड़ती है, वो अलग। तो उसका यदि हम करके हिसाब करके देखें, तो यदि 2,000 रुपये अभी उसमें से निकाल दें तो हमें 8,000 रुपये, इसका मतलब ये 27-28 साल का जो नौजवान बंदा है उसको 8-9,000 रुपये महीने पर ही बांध के रख लिया। और इस ये खुश इसलिए कि मेरे को परमानेंट जॉब मिली हुई है। जॉब, ऐसी जॉब को करना क्या है जो आपको खाने के लिए भी ना देती हो, क्योंकि ये अगला मैं टॉपिक फिर आपके साथ इसी के साथ रिलेट कर रहा है, वो डिस्कस करता हूँ। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है, टीचर्स ऑन एडहॉक एंड प्राइवेट स्कूल टीचर्स। पंजाब में एडहॉक पर जो सरकार ने टीचर रखे उनको 6-7 हज़ार रुपये सैलरी देते हैं। 6-7 हज़ार रुपये सैलरी में बनता क्या है? और जो पहले 20-25 हज़ार रुपये लेते उनकी कम करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मेरा ख्याल 15,000 रुपये सैलरी कर दी थी, और उनके लिए बहुत बड़ी एजिटेशन होती रही। समझने की कोशिश नहीं करते कि सामने वाले बंदे की कुछ रिक्वायरमेंट है। ये हमारा फाइनेंशियल जो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, ये इस तरीके से किडनैप किया गया। आपको ये बता दिया गया कि आप जॉब के बढ़िया चीज़ कोई नहीं। आपको हमारा समाज जो है, हमारी जो बचपन से लेके हमें तैयार करते जॉब के लिए, लेकिन जॉब ऐसी मिलती है तो इस जॉब में हम क्या करेंगे? तीसरा फिर मैंने लिखा, लेबर वर्किंग विद अस, जो किसी तरीके से चाहे हमारी मेड हो, चाहे राजमिस्त्री के साथ जो लगे हुए हैं लोग, उसको उनको 300-500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 10,000 से नीचे। अब ये 10,000-15,000 रुपये महीना कमाने वाले अपने आप को, चलो ये इसको छोड़ के इस कैटेगरी, ये तो अपने आप को बहुत मतलब हायर कैटेगरी में गिनते हैं। तो ये हमारा नोशनल इनकम डाटा हमें क्या कह रहा है कि 1940 ये लिखा मैंने, और ये रुपीस पर मंथ 1940 में एक इनकम डाटा था। नोशनल इसलिए लिखा मैंने कि ये परमानेंट फिगर नहीं है, लेकिन परमानेंट के आसपास है। 1940 में जो बंदा क्लर्क लगा हुआ था, टीचर लगा हुआ था, पटवारी लगा हुआ था, फौज में था, उसकी जो सैलरी थी 10 रुपये के आसपास होती थी। मतलब दाल रोटी का गुजारा, 10 रुपये में कोई अमीर आदमी नहीं था ये 1940 वाला। 1900 फिर उसके बाद 20 साल हुए, और 20 साल में ये इसकी सैलरी बढ़ गई 10 गुना, तो ये 100 रुपये हो गए। 1960 में गुजर, ये 100 रुपये की सैलरी हो गई। फिर 20 साल के बाद ये फिर 20 साल में इसकी फिर 10 गुना बढ़ गई, 1,000 हो गया। अब ये फिर 20 साल का इसका फिर 10 गुना बढ़ गया, ये 10,000 हो गई। और 2020 निकल गया, अब 2022 चल रहा है, और ये 10 गुना हो गए, ये 1,00,000 रुपये हो गई। इसका मतलब 2020 में 1,00,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी इतने पैसे कमा रहा है जो 1940 में 10 रुपये बंदा, 10 रुपये वाला कमा रहा था। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो बंदा 2020 में 1,00,000 रुपये कमा रहा है, आप बैंक वाले, LIC, बिजली बोर्ड, इधर उधर के देखो, बंदे मिल जाएंगे आपको 1,00,000 के आसपास कमाने वाले। लेकिन
वो बंदे ऐश नहीं करते ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ करके चलते हैं। 1 लाख रुपए वाला बंदा अपनी मर्जी की कार नहीं रख सकता, अपनी मर्जी का घर नहीं ले सकता, अपनी मर्जी से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपनी मर्जी से कहीं फॉरेन टूर नहीं कर सकता, होटलों में खाना नहीं खा सकता। तो ऐश की ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी। जब 2020 में 1 लाख रुपए वाला बंदा एक दाल रोटी खाने के काबिल ही है, कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी, तो ये बंदे कहाँ खड़े हैं? और इन बंदों के जो ये बंदे कहीं भी नहीं खड़े, और इन बंदों के प्रॉब्लम क्या, आगे क्या प्रॉब्लम करी हुई है, ये बंदों को सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। इस तरीके से इसका दिमाग, इनका दिमाग उलझाया गया। हम कर क्या रहे हैं, हमारे एफर्ट्स क्या हैं? किलिंग आवर टाइम ऑन वीडियोज, वीडियो देख रहे हैं, कुछ इस तरीके की किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ अपना टाइम पास, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, मत्था टेकने वाले भी टाइम पास। मतलब मत्था टेकने का मतलब ये नहीं कि हम, मैं कहता हूँ भगवान को ना मानो, भगवान को मानो ये नहीं है। मैंने ये देखा कि हमारे जानकार बंदे 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन जाके डेरे में रुकते हैं, वहाँ पर डेरे में रुक के वहाँ पर जाके सेवा कर रहे हैं और कर रहे हैं। ओ भाई, सेवा तो करनी है, आप अपने लिए क्या कर रहे हो? यदि आप 10,000 रुपये महीना भी नहीं कमा पा रहे तो इसके बराबर कहाँ खड़ोगे? तो इसका आपका दिमाग ही किडनैप कर लिया। कपिल शर्मा की वीडियो देख देख के हम 5-5 घंटे, कुछ और तरीके की वीडियो, एजुकेशन के ऊपर वीडियो नहीं देखते हम। एंटरटेनमेंट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, ये कह के आपको किडनैप कर लिया गया, आपका दिमाग ही किडनैप कर लिया। विद्या बालन का एक डायलॉग, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ओ हराम जादो, कुछ देखो तो सही, जो हमारा नौजवान है ये कहाँ जा रहा है? इन नौजवानों को जो 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना कमा रहे, इनका क्या बनेगा? मैं गांव में जाता हूं तो गांव में जो लोग मिलते हैं मेरे को, कोई जानकार होते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे को सर्विस लगवा दो, कहीं जॉब लगवा दो, कितने पैसे पर, जितने मर्जी दिला दो, 10,000 रुपये दिला दो, वो 10,000 की जॉब। मैंने कहा 10,000 में गुजारा नहीं होगा? कहते अपने लिए तो हो जाएगा, अपने लिए आज होगा, कल को इसकी शादी होनी है, बच्चे होना, तो इसका फ्यूचर क्या है? कोई फ्यूचर नहीं। हम फ्यूचर के बारे में चिंता ही नहीं कर रहे बिल्कुल ही। हम बिना वजह के पॉलिटिक्स के ऊपर 4-4, 5-5 घंटे डिस्कस कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। वीडियो एंटरटेनमेंट की वीडियोस देख रहे हैं, बाबाओं की बातें कर रहे हैं, किशोर की बातें, यार अपने बारे कब सोचोगे? फिर हमने क्या एफर्ट्स क्या होने चाहिए? हमें फाइनेंशियल काउंसलिंग या अवेयरनेस की ज़रूरत है। यदि हमारे पास फाइनेंशियल काउंसलिंग या अवेयरनेस होगी, तब हम जाके आगे इनको, ये हमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, इनको, इन दोनों का फ़र्क तब पता लगेगा, कब? जब हम फाइनेंशियल काउंसलिंग या अवेयरनेस को लेने की कोशिश करेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस देने वाले बंदे भी बहुत कम हैं। तो हमारा चैनल है प्रॉपर्टी गुरुकुल, मैं फाइनेंस की बात हमेशा करता हूँ। मैंने एक UGI अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स ऑफ इंडिया, इसके ऊपर चैनल, फेसबुक और पेज बनाया, इसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, इस तरीके की बात ढूंढो आप, जहाँ से आपका जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिस्टोर हो सके। अभी तो उन्होंने बंद करके ढक्कन लगा दिया, उसके ऊपर डिब्बे में डाल के ढक्कन लगा के रख दिया। इस तरीके से यदि हम इसी तरीके से चलते रहे तो डेफिनेटली हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ना गवर्नमेंट को शर्म है, ना किसी, मतलब दूसरे बंदों को, कोई किसी के बारे में सोचता है। कोई बंदा हमारे पास, खुद हम गरीबी हटाओ के रोज नारे लगाते हैं, कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, यहाँ पर आ जाओ लेबर में, आ जाओ 300-400-500 रुपये, और पूरा दिन उसके ऊपर, जो कोई लेबर हमें ले घर पर ले आना उड़े, पूरा दिन उसके ऊपर देखते हैं, पूरा अपना पूरा का पूरा टाइम उसके ऊपर लगाते हैं कि ये खाना तो नहीं खा रहा, ये चाय तो नहीं पी रहा, ये कोई बिजली तो नहीं पी रहा, इस तरीके की। इनके बारे में भी सोचो, ये कब करेंगे? ये खुद अपने बारे में नहीं सोच रहे। और जितना ज़्यादा गरीब, मैंने ये देखा, मैं बाहर घूमता, बहुत ज़्यादा घूमता, उतना ही ज़्यादा भगवान को मानने वाले। वो कहते हैं जी भगवान ने हमारी मर्जी, हमारी किस्मत ही ऐसी लिखी हुई है। भगवान ने किस्मत नहीं लिखी, भगवान ने सभी को बराबर पैदा किया है। आपको जो सिस्टम है, जो सिस्टम ने आपकी जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है, इसको किडनैप कर लिया। आपने अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो किडनैप हो चुकी है, उसको रिस्टोर करना है। यहाँ आना है आपने, फाइनेंशियल काउंसलिंग, ये मेरा भी छोड़ दो भी, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा, कोई भी और भी बंदा कोई ट्रेनिंग दे रहा है, मेरे जैसे कोई बंदे और भी कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके पास जाओ। आप अपने दिमाग को डेवलप करने की कोशिश करो दोस्तों, ये इस तरीके से आपका गुजारा होने वाला नहीं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आपको बिल्कुल शेक करेगी, हिलाएगी, और यदि आप दिमाग आपका थोड़ा सा चलना लगे तो उसको पूरे दौड़ाने की कोशिश करना है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ये ज़िंदगी में आपके काम आने वाली चीज़ें हैं। आज के लिए इतने, मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो, और
कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दो या नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो लिख दो। हम एक वीडियो का यूट्यूब का नया चैनल आज बनाने जा रहे हैं, तो कल से हम उसके ऊपर भी शुरू कर लेंगे। उसमें भी हम मेरे मुताबिक राजवंश सिंह मोहाली उसका नाम ऐसा रखेंगे कि मेरे मुताबिक कैसे चलना है, क्योंकि हमने लोगों को जगाने का काम करना है। सो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक कड़वा जरूर था लेकिन आपको पसंद आएगा। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने होऊंगा। आप तब तक सीखते रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।